आदरणीय डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, शिक्षक गण और मेरे प्यारे बच्चे, आज ज्ञान कुंज पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हम लोग एक साथ उपस्थित हैं। आज का तारीख दिनांक 28 फरवरी को हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। सीवी रमन, चंद्रशेखर, सीवी रमन एक वैज्ञानिक है जो उन्होंने एक प्रभाव, सीवी प्रभाव, रमन प्रभाव के रूप में दिया था, विज्ञान में खोज किए थे, उसी के याद में हम लोग विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और हम बता दें कि जिस समय पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ था उस समय से ही खोज चलता आ रहा है, आज से नहीं। खोज जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य आया उसी समय से खोज चलता आ रहा है। बहुत पहले की बात है कि आपको जानकारी होना चाहिए कि जिस समय मनुष्य आया था पृथ्वी पर उस समय आग भी नहीं था, जो कि आग का आविष्कार हुआ, चाक नहीं था, चाक का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, नाना प्रकार के खोज प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। आपको पता होना चाहिए कि जिस समय कोई औजार नहीं बने थे उस समय पेलियोथी के, मेसोलिथिक के, न्यूलिथिक के, कि तीनों एज में पत्थरों के औजारों का आविष्कार हुआ। तो मानव जो है अपनी कठिनता से जीवन को अग्रसर होकर आविष्कार किया और आज तक इस दौर में हम लोग पहुंच गए कि लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल सबका आविष्कार हुआ। मानव अपने कठिन जीवन से, कठिन प्रयासों से करते हुए अपने जीवन को सफलतापूर्वक और आसान बनाया। इसीलिए कहा जाता है कि एक छोटा सा स्टोरी मैं कहने जा रहा हूँ यही आविष्कार के उद्देश्य पर्पस में, कि आप लोग ने रामानुज का नाम सुने होंगे। रामानुज एक ऐसे वैज्ञानिक थे मैथमेटिक्स का जो कि दुनिया में नाम रोशन किया, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने जब वैज्ञानिक का सम्मेलन हो रहा था विश्व पटल पर तो उनको जानकारी हुई कि वैज्ञानिक का सम्मेलन हो रहा है, तो जो सम्मेलन में सबसे टॉपर वैज्ञानिक थे तो टॉपर वैज्ञानिक को उन्होंने पेपर में कहीं पढ़ा था, तो पत्राचार के माध्यम से रामानुज जी ने उनसे मिलना चाहा। तो पत्राचार का कोई जवाब नहीं है, इंडिया का कहीं से लेटर आया होगा, फिर दूसरे पत्राचार वहां पे किए फिर भी नहीं आया, तीसरे पत्राचार में अपने ज्ञान का प्रभाव दुनिया में दिखाने के लिए वो एक मैथ का कुछ देकर और पत्राचार के माध्यम से वहां पे भेजे। जब वहां उस वैज्ञानिक के पास गया लेटर तो देख के मिलने के लिए विवश हो गए कि कौन सा ऐसा इंडिया का वैज्ञानिक है जो कि हमसे कई गुना आगे है। तो मिलने की लालसा हुई तो सरकार के पास उन्होंने लेटर भेजा वहां के कि हमको वहां के इंडिया के इस वैज्ञानिक से मिलना है। तो सरकार भी अचंभित रह गई कि कौन सा ऐसा मेरे देश का वैज्ञानिक है जो हम नहीं जानते हैं और वर्ल्ड में इनका नाम है। तो फिर वह वैज्ञानिक से मिले हो जाके, जब वैज्ञानिक से मिले तो जितने भी लोग वहां वैज्ञानिक बैठे हुए थे तो उनसे उन्होंने वैज्ञानिक बोले, इंडिया के वैज्ञानिक बोले कि हम तो आपसे पत्राचार के माध्यम से कब से ही मिलना चाह रहे थे लेकिन आप मिल नहीं पा रहे थे, चलिए संजोग हुआ कि हम नहीं मिले, आप ही हमसे मिलने आ गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहां के जो सभा में के और वैज्ञानिक थे कहें कि क्या बात हो गई कि इंडिया के वैज्ञानिक से आप इतना लालसा रख रहे हैं मिलने के लिए, तो बोले कि हीरा को कोई जौरी ही परख सकता है, लोहार नहीं। हीरा को इसलिए इंडिया के वैज्ञानिक ने वर्ल्ड को अपने ज्ञान से प्रकाशित किया और कोई मोहताज नहीं है इंडिया का ज्ञान के वैज्ञानिक जो कि पूरे विश्व पटल पर अपना योगदान देकर और बहुत बहुत बड़े वैज्ञानिकों में अपनी भूमिका निभाई।
और उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि आप अपने नजर में इस इंडिया को वैज्ञानिक के आप किस दृष्टि में देखना चाहते हैं। तो बोले कि हमसे कम से कम 3 गुना ही आगे हैं, ठीक ना। इतना मान सम्मान उनको मिला, इसीलिए कहा जाता है कि 28 फरवरी को हम लोग वैज्ञानिक दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि वैज्ञानिक लोग अपने समय समय पर खोज करते हुए मानव जीवन को बहुत सफलतापूर्वक आसान बनाया। अब ज्यादा क्या बोलूं, मैं वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।